हाल फिलहाल में इंडिया का सबसे बड़ा और ट्रेंडिंग टॉपिक टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब अब और भी ज़्यादा बड़ा हो गया है। आप सबको पता ही होगा कि फैजल सिद्दीकी नाम की टिकटॉक क्रिएटर ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो एक लड़की पर एसिड अटैक करता हुआ दिख रहा है। क्या हुआ? उसने तुम्हें छोड़ दिया जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था? जिसके बाद NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने इस पर एक्शन लिया और यह वीडियो टिकटॉक से डिलीट कर दिया गया। लेकिन फैजल सिद्दीकी ने इस पर अपनी साइड रखते हुए बताया कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो दरअसल अधूरा वीडियो है और मुझ पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। आगे फैजल ने लिखा कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेरे हाथ में पीने का पानी है। बात यहीं पर फंसती है। मैं भी मानता हूं कि वीडियो में जो एसिड अटैक का दावा हो रहा है वो गलत हो सकता है, क्योंकि फैजल उसे लड़की के ऊपर फेंकने से पहले खुद पी रहा है। लेकिन जब आप फैजल के एक्सप्रेशंस को देखते हैं तो साफ नजर आता है कि वो नशे में है, मतलब उसके हाथ में शराब है। ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं कि वीडियो में उसने दिखाया है। चलिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इस वीडियो में फैजल लड़की पर एसिड नहीं फेंकता है, बट अगर फैजल अपने आप को एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मानता है तो उसे वीडियो में ऐसा भी नहीं करना चाहिए था, मतलब शराब फेंकते हुए भी नहीं दिखाना चाहिए था। ये सब कुछ बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे कैरी मिनाटी के वीडियोस में बोले गए डायलॉग्स को गलत तरीके से पेश किया गया था और वीडियो डिलीट हो गई थी। ऐसी ही गलत वीडियोस के चलते टिकटॉक को एक बार फिर से इंडिया में बैन किए जाने को लेकर बातें जोर पकड़ रही हैं। आगे आपको कुछ और ऐसी वीडियोस दिखाएंगे जिनसे कोई ना कोई गलत मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए। नाब इज नोन फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, वी आर कंटेंट क्रिएटर्स, तो बेसिकली हम लोग 15 सेकंड के साउंड पे एक स्टोरी दिखा देते हैं पूरी। हम लोग फ्यूचर जनरेशन है, तो हमारे थ्रू अगर टीन एजर्स की सोच चेंज हो रही है तो कल को इंडिया का फ्यूचर चेंज होएगा, तो लोगों की जो मेंटालिटी है ना। क्या आपको पता है शराब से ज्यादा नशा किसमें है? पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ किसमें। कब बढ़ाऊंगा, कब आइटम बताऊंगा। अरे शादी में प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। आइटम चलती क्या? चल। ये सारी की सारी वीडियोस कुछ ऐसी हैं जिन्हें अगर आप मजाक के तौर पर लेंगे तो नॉर्मल लगेंगी और अगर आप इन्हें गलत मानेंगे तो गलत दिखेंगी, बिल्कुल वैसे जैसे कैरी मिनाटी की वीडियो। YouTube वर्सेस TikTok बेशक ही कई लोगों के लिए बड़ा टॉपिक हो सकता है, लेकिन उससे भी बड़ा टॉपिक है कोरोना वायरस। आधे से ज्यादा देश आज कैरी की नई वीडियो को दुनिया की मोस्ट लाइक वीडियो बनाने का कैंपेन चला रहा है, लेकिन इस बात से शायद ही कोई अनजान होगा कि हर रोज कितने माइग्रेंट वर्कर्स की मौत हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 4,000 से ज्यादा केसेस आए हैं, जबकि टोटल केसेस 1,00,000 के पार जा चुके हैं। शायद लोग घर में बैठकर सोच रहे हैं कि कोरोना जा रहा है, लेकिन असल बात है कि कोरोना अब आ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को YouTube वर्सेस TikTok से ज्यादा कोरोना पर ध्यान देना शुरू करना चाहिए। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि TikTok इंडिया में बैन होना चाहिए या नहीं।